रात का समय था, चारों ओर अंधेरी रात थी। उसी रात टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में जा रही थी। टुनटुनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। आज तो मुझे बहुत देर हो गई है, माँ भी कब से घोंसले में मेरी राह देख रही होगी। मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होगा, वरना माँ बहुत गुस्सा करेगी। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए जंगल की ओर बढ़ रही थी। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ से टकरा जाती है और वो सीधे एक सुरंग में जा गिरती है। अरे मेरा सर, अरे मैं ये कहाँ गई, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। टुनटुनी उस सुरंग में घूमती है और सुरंग की दीवारों से टकरा जाती है। तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ता है, जिससे उस सुरंग में रोशनी हो जाती है। उस भूमिगत सुरंग का नजारा देखकर टुनटुनी के होश उड़ जाते हैं। वो सुरंग सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, यह तो चारों ओर सोना ही सोना रखा हुआ है। परी, भूमिगत सुरंग और खजाना, ये सब यहाँ कैसे? टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। इतना सारा खजाना, ये सब तो अब मेरा है। अब मैं ये सारा खजाना लेकर अपने घोंसले में चली जाऊंगी। मेरी माँ जब इस खजाने को देखेगी तो बहुत खुश होगी। टुनटुनी उस सोने के सिक्कों को एक थैले में भर लेती है। तभी उसके हाथ में एक सोने के बने पक्षी की मूर्ति हाथ लगती है, जो बहुत ही खूबसूरत थी। टुनटुनी उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी सोने की मूर्ति है, इस पर क्या लिखा है? जो कोई पक्षी इस खजाने को प्राप्त करना चाहेगा, उसे अपनी सबसे कीमती चीज गंवानी होगी, तभी वो खजाना उसका होगा। ये बात पढ़कर टुनटुनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, इस मूर्ति पर तो इतना खतरनाक बात लिखी है। नहीं नहीं, मैं इस खजाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जैसे ही टुनटुनी उस भूमिगत सुरंग के दरवाजे के पास जाती है, वो वहां जाकर रुक जाती है। पीछे खजाने को देखती है। इतना सारा खजाना है, ये इस खजाने से मैं और मेरी माँ जीवन भर बैठकर खा सकती हैं। क्या करूँ, ये खजाना लूँ क्या नहीं? वो मूर्ति पर लिखी बात गलत भी तो हो सकती है। मैं एक काम करती हूँ, इस खजाने को यहाँ से ले ही जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के मन में लालच आ जाता है और उस मूर्ति पर लिखी बात को नज़रअंदाज कर कुछ खजाना थैले में भरकर ले जाती है। टुनटुनी, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं कितना डर गई थी, पता नहीं तुम कहाँ चली गई। अरे माँ, अब चिंता करना छोड़िए, अब हमारी गरीबी के दिन दूर होने वाले हैं। ये देखिए इस थैले में क्या है। टुनटुनी सारा खजाना अपनी माँ को दिखाती है। ये देखकर उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना कहाँ से आया है ये? अरे माँ, धीरे बोलिए, अगर किसी पक्षी ने सुन लिया तो पूरे जंगल में इस बात का पता चल जाएगा कि हमारे पास ये खजाना है। बिटिया, बताओ तो सही, ये सब तुम कहाँ से लाई हो? टुनटुनी चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है। क्या भूमिगत सुरंग में खजाना? हाँ माँ, पूरी सुरंग सोने के खजानों से भरी पड़ी है। आप चलिए, हम उस सुरंग का सारा खजाना ले आते हैं, इससे पहले वहाँ कोई और पक्षी आकर खजाना ना ले जाए। टुनटुनी और उसकी माँ एक बड़ा बड़ा थैला लेते हुए और खजाना लेने के लिए निकल पड़ती है। जहाँ पहुंचकर टुनटुनी की माँ के होश उड़ जाते हैं। इतना सारा सोना, माँ चलिए हमें जल्दी से थैले में सोना भर लेना चाहिए। दोनों अपने अपने थैले में सोना भरकर अपने घोंसले में ले आती है।
इसी तरह वो दोनों थोड़ा थोड़ा सोना लेकर अपने घोंसले में रख देती है। देखते ही देखते सुबह होने लगती है। माँ, अब हम सुरंग में नहीं आएंगे। हमने पूरी रात बहुत सारा सोना अपने घोंसले में रख लिया है और सुबह भी होने वाली है। अगर हमें किसी ने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा। अरे बिटिया, हम इस खजाने को रखने के बाद एक बार और खजाना लेने आएंगे। नहीं माँ, अब सुबह हो गई है। बगल के सभी पक्षी जग गए होंगे। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमने जो खजाना इकट्ठा किया है वो सब हमारे हाथ से चला जाएगा। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सारे पक्षी अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं। इधर टुनटुनी और उसकी माँ खजाने से भरी थैली को लेकर आने लगती है। उन्हें आता देख हरा तोता और कालू कौवा मिल जाते हैं। अरे कहाँ से आ रही हो टुनटुनी चिड़िया, इतनी सुबह सुबह क्या खजाना छुपा कर लाई हो इस थैले में? अरे बाप रे, इन दोनों को कैसे पता चला कि हम खजाना लेकर जा रहे हैं? माँ, लगता है ये केवल कहावत कह रहे हैं। अरे चिड़िया बहन, बताइए ना कहाँ गए थे दोनों माँ बेटी? तभी टुनटुनी की माँ को अचानक चक्कर आ जाता है जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया, हरा तोता और कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसके हाथ से खजाने की थैली छूट जाती है और सारा खजाना बाहर गिर जाता है। ये देखकर कालू कौवा और तोता के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ कई सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! अरे इस मूर्ति पर क्या लिखा है? तोता उस मूर्ति पर लिखी बात को सबको सुनाता है। जो कोई पक्षी इस खजाने को प्राप्त करना चाहेगा उसे अपनी सबसे कीमती चीज गंवानी होगी, तभी वो खजाना उसका होगा। टुनी चुड़िया, तुमने अपने लालच में अपनी माँ की ही जान गंवा दी। मुझसे ये क्या हो गया? सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और वो रोती रह जाती है। कहते हैं ना, लालच हमेशा बुरी भला ही होती है, तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।